अरे सुनिया आज जाने सार लोन सर एल्बम की बात कर रहे हैं कि हम पिछले कुछ दो साल से हमारी म्यूज़िक कंपनी है, अभी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कश्मीरी सूफी म्यूज़िक को प्रमोट कर रहे हैं, कश्मीरी फोक को प्रमोट कर रहे हैं एंड इन टर्म्स ऑफ लाइक आज का जो गाना है वो दिल टूट गया हमने जो रिलीज़ किया, जो गाया कमल खान ने जिनका बड़ा ही फेमस गाना है इश्क सूफियाना, तो उन्होंने ये गाना गाया है। ये जो गाना है सूफी है, सैड सैड रोमांटिक है और गाना तो आपने सुना ही है, सूफी गाना है, सैड सॉन्ग है। क्या उम्मीद है इस गाने से जी? सूफी गाना जो है काफी जी, किसने गाया है और इसमें एक्टिंग किसने है? कमल खान ने गाना गाया है और इसमें एक्टिंग की है हनान खान, उमर अली और सिनेहा नमानंदी ने, और अजय भाई ने खुद जिनको आप अभी मिले उन्होंने की है। आज एक गाना है, वो कितने गाने आने वाले हैं जी? कितने और गाने आने वाले हैं? अभी इसमें ऑलरेडी हमने 8-7 गाने रिलीज किए हैं जी। और क्या कहें, अब लोग कहेंगे आपने सुना, आपने देखा, अब आप बताएंगे कैसा, हमको तो अच्छा ही लग रहा है। दिल टूट गया एक सिंगल सॉन्ग है और हमने एक एल्बम नहीं है, हम एक एक सिंगल सॉन्ग निकाल रहे हैं एयर म्यूज़िक। सो इसमें हमने अभी तक आई थिंक 5-6 गाने किया है अभी तक। एक गाना रीनी चंद्रा ने भी गाया है, जुगनी जुगनी, और मैंने अभी तक एक कश्मीरी गाया है, एक हिंदी गाया है, एक कवर सॉन्ग भी है। सो और बाकी एक स्निति मिश्रा ने गाया जो मिलियन हिट्स मिला है, और आजकल एक नया चैनल क्रिएट करने के बाद मिलियन हिट्स मिलना इतनी बड़ी, आई मीन छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल तो बड़े बड़े जो म्यूज़िक कंपनीज़ है वो भी कुछ रिलीज़ करते तो इतना हो नहीं पाता है। सो हमको टाइम लगा, हमारा ऑर्गेनिक बीट्स एंड व्यूअर्स है, सो लेकिन हम बहुत खुश है कि हमें लोग पसंद कर रहे हैं, हमारे म्यूज़िक बोला जा रहा है कि आप लोग कुछ और बनाओ, हम सुनना चाहते हैं और बनाओ कुछ। एक्चुअली आयरनी ये है कि रानी स्पीक्स कश्मीरी एंड अंडरस्टैंड्स, बट मुझे नहीं आती समझ में, लेकिन मैंने हिंदी नहीं, मैंने कश्मीरी गाया है, एंड लैंग्वेज इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल कि इतना प्यारा सॉन्ग है, इतनी प्यारी मीठा जो वर्ड्स है उसमें हमारी मीठी सी आवाज़ आ गई, तो आई थिंक द होल पैकेज हैज बिकम रियली ब्यूटीफुल। इनफैक्ट तुम लोगों ने जो गाना अभी गाया है जो पार्ट, वो कश्मीर में इतना पॉपुलर है, हर फोन में अभी रिंगटोन है, कॉलर ट्यून है। सो बड़ी बात है, एक चैनल से निकला हुआ गाना जिसका कॉलर ट्यून और रिंगटोन हर फोन में आजकल सुनाई देता है। मेरा नाम स्नेहा नामानंदी है। ठीक है, तो मैं सिंगिंग नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक्टिंग की है इस वीडियो में। सो बेसिकली आई एम एन एक्टर, और ये गाना कम्प्लीटली सूफी काइंड ऑफ सॉन्ग है, इट्स अ सूफी सॉन्ग, एंड बिकॉज आर प्रोड्यूसर्स आर कंपोजर्स आर फ्रॉम कश्मीर, तो इट हैज़ अ वेरी वेरी सॉलिड, वेरी सोलफुल एसेंस ऑफ म्यूज़िक, जिस जो इन लोगों की खासियत है। सो या इट्स अ सूफी सॉन्ग, फैंटास्टिकली संग बाय कमाल खान, कमाल सर, एंड कंपोज बाय जानिसार सर। सो या इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मेरे गाने में, हाँ, सो मेरे गाने में एक्टर्स है हनान एंड उमर एंड अजय सर, हु इज़ ऑल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द सॉन्ग, और हाँ, सो मेजरली ये एक्टर्स है, एंड ऑल आर एन अमेजिंग टीम, बहुत अच्छी टीम है, बहुत फ्रेंडली, वी आर लाइक अ फैमिली नाउ, इट्स अ ब्यूटीफुल टीम। मेरा किरदार इसमें एक डॉन का किरदार है, और जो लड़की है स्नेहा वो मेरी सिस्टर बताई हुई है। मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्टिंग की, मुझे थोड़ा सा कुछ नया लगा, अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम की। ऐसे ही हम लोग बैठे थे तो उन्होंने बोला कि ये किरदार तुम कर लो, और सडनली मैंने कर लिया, उस शूट कंप्लीट कर दिया मैंने। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो दो मैंने सॉन्ग्स यहाँ देखे हैं, एक तो जो कश्मीरी एल्बम है और जो दूसरा दिल टूट गया,
तो दिल टूट गया मेरे को बहुत अच्छा लगा। हालांकि कश्मीरी सॉन्ग भी बहुत अच्छा था, उसके बोल बहुत अच्छे हैं, हालांकि मुझे कश्मीरी समझ नहीं आती है, बट स्टिल मुझे उसके बोल बहुत अच्छे लगे और होप कि उसके बोल के जो मतलब है वो भी बहुत अच्छे होंगे। और जो एल्बम है दिल टूट गया, उसके अंदर जो मेरे बड़े भाई अजय गल्होत्रा जी ने जो काम किया है, आई रियली अप्रिशिएट। ऐसा लगा नहीं कि ये एक न्यू कमर है और या पहली बार कैमरा फेस कर रहे हैं, जैसे नर्वसनेस होती वो उनके चेहरे पर नज़र नहीं आई। और उम्मीद करता हूँ कि ये आगे भी ऐसे डॉन के कैरेक्टर करेंगे, ये वो वाले डॉन बनेंगे जो आँखों में बैठ के यूँ बस देखेंगे।